मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मान लीजिए हमने बबूल के बीज बोए तो बबूल का पेड़ है तो कांटे, और हमने आम का पेड़ बोया, ऐसे कर्म किए तो आम मिलेंगे। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? रेक्टिफिकेशन की बात तब आती है, परिवर्तन करने की, उसको बदलने की बात तब आती है जब जीवन में कष्ट होता है, परेशानियां होती हैं, दुख है, क्लेश है, रोग है, पीड़ा है, बीमारी है, गरीबी है, अभाव है, तब ये सारे सवाल आते हैं। तो अब इतने 100 साल पहले अगर हमने कुछ बीज बोया था, पाप कर्म का बीज बोया था, बुरा बीज बोया था, और आज उसका फल मिल रहा है हमको, हम घिरे हुए हैं और हम कहें कि हम उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? गुरु नानक देव जी महाराज तो सज्जन ठग और कौडे राक्षस के पास खुद चले गए थे, उन्होंने तो कोई भक्ति नहीं की थी, ये उनका भाग्य था। अगर आप उस मालिक की रजा में राजी हैं, ये मैं बार बार कहता रहा हूं, ये भक्ति की पराकाष्ठा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन हम उसकी रजा में राजी रहेंगे कैसे? हमारा ऐसा भाग्य भी तो होना चाहिए, ऐसे कर्म भी तो होने चाहिए। मैंने ये बार बार कहा कि हम सब अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं। ये बड़ा क्लियर कट मामला है कि आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं जो आपने बहुत पहले किया। और अगर कुछ परिवर्तन, कुछ रेक्टिफिकेशन आपके भाग्य में निहित है, तो ऐसी विधि बनेगी, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी जाग लगेगी और रोशनी हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम सब लोग अपने जीवन में अपनी तरफ से बहुत अलर्ट हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन भाग्य हमारा बस नहीं चलने देता है। मंगल ढिलोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन रंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान, गुरु प्रेमियों। एक दो सज्जनों ने कुछ सवाल पूछे थे, अहम सवाल थे। एक सज्जन ने पूछा था कि हमारे हाथ में कुछ है या नहीं, और एक सज्जन ने पूछा था कि हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है, अच्छे या बुरे कर्म जो कुछ भी हम करते हैं, अगर ये सब कुछ प्रीफिक्स है तो क्या हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है जिससे हम रेक्टिफाई कर सकें, आगे के लिए कुछ अच्छा बो सकें? ऐसी फ्रीडम नहीं है क्या हमारे पास? एक और सज्जन ने भी लिखा कि ईश्वर इतने निर्दयी नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने हमें चॉइस भी दी है कि कर्म है, भाग्य है और चॉइस है, ऐसा एक सज्जन ने लिखा। देखिए, अगर हम इसको डिटेल में जानना चाहें, पूरी जानकारी तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन जो संकेत मिलते हैं महापुरुषों से, अवतारी पुरुषों से, तो अब एक तरफ तो अक्सर हम सब ने सुना है कि करे करावे आपे आप, मानस के कुछ ना ही हाथ, सब कुछ कर्ता पुरुष वही है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर एक जगह ये भी रेफरेंस आता है कि मेरे हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो एक तरफ जो कर्म का सिद्धांत है, अगर इस बात को हम ऐसे कहना चाहें, इस सवाल का जवाब संक्षेप में देना चाहें कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब ये कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है,
लेकिन यह सत्य है, हमने जो कर्म किए उसके हिसाब से हमारा भाग्य बना और भाग्य के हिसाब से हमारा जीवन है। जैसे गुरु पिता ओंकाराज महाराज ने मुझसे कहा था कि जो परीक्षा है, परीक्षा के लिए ईश्वर किसी बिरले को चुनते हैं, यानी उनके मुताबिक जो मेरी परीक्षा हुई थी जिसमें मैं फेल हुआ था वो मेरे भाग्य में नहीं थी, लेकिन मुझे चुना गया था, जिसको मैं समझ नहीं पाया आज तक, क्योंकि मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक सब कुछ भाग्य में ही निहित होता है। मैं गलत हो सकता हूं किसी की नजर में, सबके पास अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ भाग्य के अंदर ही निहित है। जो लोग रेक्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने एक दो एपिसोड में पहले जिक्र किया कि अगर कुछ परिवर्तन आना है तो भाग्य का हिस्सा होगा। जैसे बहुत सारे लोग नाम जपते हैं, भजन शब्द सुनते हैं, लेकिन सबको लाभ नहीं होता है। अब इसका क्या कारण है? उनके भाग्य में नहीं था, या तो वो सुन ही नहीं पाएंगे उतनी आस्था से, उतने समर्पण के साथ वो सुन ही नहीं पाएंगे, यानी भाग्य में नहीं है। अब जो रेक्टिफिकेशन की बात हो रही है, सवाल पूछा गया, मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। रिजल्ट आ गया, यानी हमने जो बोया था वो बीज अंकुरित हुआ, उससे एक पेड़ बन गया। अब आप उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? मान लीजिए हमने बबूल के बीज बोए तो बबूल का पेड़ है तो कांटे, और हमने आम का पेड़ बोया, ऐसे कर्म किए तो आम मिलेंगे। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? पिछले जन्मों में 100, 200 साल, 500 साल पहले हमने जो भी कर्म किया, देखिए जब हमको अच्छा मिलता है तो हम रेक्टिफिकेशन की बात नहीं करते हैं। रेक्टिफिकेशन की बात तब आती है, परिवर्तन करने की, उसको बदलने की बात तब आती है जब जीवन में कष्ट होता है, परेशानियां होती हैं, दुख हैं, क्लेश हैं, रोग हैं, पीड़ा है, बीमारी है, गरीबी है, अभाव है, तब ये सारे सवाल आते हैं। तो अब इतने 100 साल पहले अगर हमने कुछ बीज बोया था, पाप कर्म का बीज बोया था, बुरा बीज बोया था, और आज उसका फल मिल रहा है हमको, हम घिरे हुए हैं, और हम कहें कि हम उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? ये गंभीर विषय है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि, जैसा एक सज्जन ने लिखा था कि भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि भक्ति से आप अपने कर्म को, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो मैंने वहां भी लिखा था कि आगे वाले जो भाग्य आपका आएगा उसको बदल सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन जो पीछे वाला उसको कैसे बदलेंगे? अब जो बदलने की बात है, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है कि ये इतना पेचीदा है। मैंने एक जगह ये भी कहा था कि जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वो बदल सकते हैं, तो आप जरा बदल के दिखाएं। मैं अपनी अगर एग्जाम्पल दूं तो मैं एक अभिनेता था, एक लेखक था, डायरेक्टर हूं, बॉम्बे में रहता था और बहुत संघर्ष करके बॉम्बे पहुंचा था। ये मेरा भाग्य है जो मुझे बॉम्बे से यहां ले आया। कुछ एक लोग इस तरह के भी उच्च श्रृंखल किस्म के लोग ये लिख देते हैं कि भाई तुमको काम नहीं मिलता होगा। चलिए एक सेकंड के लिए मान लें कि काम नहीं मिलता होगा, लेकिन आदमी संघर्ष तो फिर भी करता है, काम के लिए भाग दौड़ तो फिर भी करता है। मेरे साथ के बहुत सारे एक्टर्स हैं, मुझसे भी सीनियर एक्टर्स हैं, वो अभी भी काम की तलाश में जाते हैं और उनको छुटपुट काम मिलता रहता है। तो काम मिले या ना मिले, लेकिन आदमी उम्मीद नहीं छोड़ता है, जिसको हमारे पंजाबी में कुत्ते चाक बोलते हैं। कुत्ता इस उम्मीद में बैठा रहता है टुकड़ा आएगा। तो बंबई
छोड़ने की जरूरत नहीं थी, ये भाग्य था। काम तो मुझे अभी भी कॉल्स आते रहते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। बॉम्बे में था तब भी, यहां भी। पंजाबी फिल्मों के अलावा, टेलीविजन सीरियल्स के अलावा, हिंदी फिल्मों के अलावा मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण बन जाता है कि मैं वो काम करता नहीं हूं। ये मेरा भाग्य है। यहां बैठना, जहां ना मेरा कोई दोस्त मित्र न रिश्तेदार, न मेरा ये पुश्तैनी गांव, लेकिन मेरा यहां बैठना पहले से प्रीफिक्स था, सुनिश्चित था। तो कैसे विधियां बनी और मैं यहां आके रहने लग गया। यहां मेरा इतना मन लगा कि मैं यहां से कहीं जाता ही नहीं हूं, कहीं जाता भी तो दौड़ के यहां आ जाता हूं। ये भाग्य है। अब अगर आपके भाग्य में, यानी जो भी हमने पीछे कर्म किए उनमें कहीं आपने कुछ अच्छा बोया होगा, तो बीच बीच में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, एक सज्जन इसी बात पे लगे हुए हैं कि आप गुरु नानक की बात करते, उन्होंने कुछ कमेंट लिखा था, आप गुरुवाणी की बात करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की बात करते हैं, और फिर साथ में आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, बाबाओं की बात करते हैं। हर चीज का अपना एक अस्तित्व है। गुरु नानक देव जी महाराज तो सज्जन ठग और कौडे राक्षस के पास खुद चले गए थे, उन्होंने तो कोई भक्ति नहीं की थी, ये उनका भाग्य था। अगर उसको रेक्टिफाई करने की बात जो लोग कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण स्वयं ईश्वर भगवान विष्णु का अवतार, क्या वो नहीं बदल सकते थे महाभारत को? महाभारत हुई। अब कुछ नास्तिक किस्म के लोग कहते हैं कि ये मैथोलॉजी है, ये कल्पना है, वास्तव में घटा नहीं, तो अब उनका क्या करेंगे? इस संसार में हर तरह के लोग हैं। मैं इस बात को, जैसे मैंने सिखिज्म के बारे में कहा कि रजा में राजी रहना, तेरा पढ़ना मीठा लागे, ये अल्टीमेट अवस्था है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप उस मालिक की रजा में राजी हैं, ये मैं बार बार कहता रहा हूं, ये भक्ति की पराकाष्ठा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन हम उसकी रजा में राजी रहेंगे कैसे? हमारा ऐसा भाग्य भी तो होना चाहिए, ऐसे कर्म भी तो होने चाहिए। अब इस संसार में आप देखिए, कुछ लोग संत प्रवृत्ति के हैं, भक्त प्रवृत्ति के हैं, और कुछ लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। वो जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उनको ये दिखाई देता है, लेकिन आप उनको समझा के दिखाइए। अगर आप उनसे भगवान के नाम की बात करेंगे, भक्ति की बात करेंगे, तो आपका मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे आपकी, आप उनको नहीं समझा सकते हैं। मैंने ये बार बार कहा कि हम सब अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं। जिसने जो कर्म किए थे, उसी के हिसाब से उसका भाग्य बना, उसका जीवन है। हम तरमीम नहीं कर सकते, और तरमीम अगर हमारे भाग्य में निहित है तो तरमीम हो जाएगी, अन्यथा नहीं हो जाएगी, हो ही नहीं पाएगी। आप देखिए अपने आसपास नजर दौड़ा के, कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे, उनको आप कितना भी समझा लें पाप और पुण्य के बारे में, आगे नरक के बारे में, सजाओं के बारे में, उनको यकीन नहीं आता है, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। वो जो दुष्कर्म करते हैं वो करते ही रहेंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हमको निराशावादी होना चाहिए। मैं जो सबसे आशावादी बात है वो करता हूं कि स्वीकार कर लें, आत्मसमर्पण कर दें उस मालिक के सामने, स्वीकार करें, उसकी रजा में राजी रहने का प्रयास करें। ये भक्ति की पराकाष्ठा, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। उसका धन्यवाद करें, उसे माफिया मांगे, पुनर्दान करें, दया करें। जो शब्द सब रोग का औखर नाम के हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, हमारे धन गुरु नानक ग्रुप में हम लोग अक्सर उनको रिपीटेडली शेयर करते रहते हैं
कि भाई यही है, आपने जपना है और सुनना है, माफिया मांगनी, धन्यवाद करना है, दया करनी है, रात को रिपीट पे लगा के उन शब्दों को सुनना है, ये सुखमणी साहब को या अपने धर्म के मुताबिक कुछ भी, ये मूल मंत्र को, ओम चांटिंग को, गायत्री मंत्र को रिपीट पे लगा के सोना है। टेलीग्राम में ये ऑप्शन है हमारे इस धन गुरु नानक ग्रुप में, जिसका हम ऊपर कमेंट्स में सबसे ऊपर हमने पिन किया होता है, वहां लिंक दिया होता है। लेकिन उससे पहले आपको टेलीग्राम डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से उसको सेटअप करना हो, जैसे व्हाट्सएप करते हैं, और फिर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। उसका लाभ डायरेक्टली आदान प्रदान होता रहता है विचारों का अक्सर। और ये जो शब्द हैं उनकी ऑडियो क्लिप है 1.5 घंटे की, उसमें जो टेस्टेड है, बहुत लोगों को लाभ हुआ है, लाइलाज बीमारियों का इलाज हुआ है। तो आपने बस टेलीग्राम में उसको प्ले कर देना है, जो क्लिप है हमारी ऑडियो क्लिप, हम शेयर करते रहते हैं और वो रिपीट होती रहेगी, बाय डिफॉल्ट रिपीट होती रहेगी। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ही के मोबाइल फोन में बस रिपीट पे लगाइए। मैंने शुरू किया है, मेरी खुद तबीयत नासाज थी तो मैंने कल रात से शुरू किया है। जैसा मैंने पहले कहा था कि मुल्ला आते मसालची दो ना एक को चित हो रहा अनुचानन करण आप अनेरे विच। हम दूसरों को बताते रहते हैं ये करना, रिपीट पे लगाना, ये करना, वो करना, और खुद कर नहीं पाते हैं व्यस्तता के कारण। हालांकि शब्द हमारे चलते रहते हैं निरंतर, लेकिन मुझे लगा कि वो शब्द मुझे लगाने चाहिए, तो आपको वहां मिल जाएंगे और कोई एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। जिसकी इच्छा हो वो हमारा ग्रुप, स्पिरिचुअल ग्रुप धन गुरु नानक ज्वाइन कर सकता है। तो ये बहुत मुश्किल, जटिल और पेचीदा मामला है। हम अगर इसको समझना चाहते हैं तो हमारी एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने से, गुरु नानक देव जी महाराज, अगर उसको जानना चाहते हो, अगर उसके सिस्टम को समझना चाहते हो तो उतने ऊंचे उठना पड़ेगा, अन्यथा हम नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पर बैठा हुआ हूं और मेरी छत पे क्या पड़ा हुआ है मैं उसे देखना चाहता हूं तो मुझे सीढ़ियां चढ़नी होंगी, मुझे उतना ऊंचा उठना होगा तब मैं देख पाऊंगा, अन्यथा तो अंदाजा है। तो ज्यादातर हम लोगों की हालत यही है, हम लोग बहुत सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल करने चाहिए, सवाल आते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनका उत्तर मेरे जैसा निर्गुण आदमी अगर बोल के देने की कोशिश भी करेगा तो ज्यादातर लोगों की बात पकड़ में नहीं आएगी। कुछ की आएगी जिन पे कृपा है, जिनकी पिछली कमाई है, जिन्होंने पीछे भक्ति की है और इस जन्म में भी लगे हुए हैं। तो ये बड़ा क्लियर कट मामला है कि आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं जो आपने बहुत पहले किया। और अगर कुछ परिवर्तन, कुछ रेक्टिफिकेशन आपके भाग्य में निहित है तो ऐसी विधि बनेगी, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी जाग लगेगी और रोशनी हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। आप सारे संसार में नजर दौड़ा के देख लें, मैंने पहले काफी पहले ये एग्जाम्पल दी थी, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं। ठीक है, वो आशावादी सोच है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में, जैसे मैंने पहले कहा, जो हम कर्म करेंगे अभी इससे हमारा आगे भाग्य बनेगा। लेकिन पेचीदा बात इसमें यह है कि हम जो कर्म अभी करेंगे इसको हमारा भाग्य कंट्रोल करता है। मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाने के लिए कहना चाहूंगा कि एक आदमी ने बहुत दुष्कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो उसका बहुत बुरा भाग्य बन गया। अब जब उसका बहुत बुरा भाग्य बन गया तो बुरे भाग्य के हिसाब से उसकी बुरी सोच होगी, बुरा नजरिया होगा, वो नास्तिक होगा या दुष्ट होगा। अब जब उसने ऐसे कर्म किए थे, उसका ऐसा भाग्य, उसकी ऐसी सोच है, ऐसी प्रवृत्ति है, तो वो अच्छे कर्म कैसे करेगा? अच्छे कर्म वालों के पास तो बैठेगा ही नहीं, अच्छे कर्म वालों को तो पसंद ही नहीं करेगा, गालियां देगा।
यह आप अपने आसपास देख सकते हैं, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने परिवारों में, अपने दफ्तरों में देख सकते हैं। कुछ लोग व्यभिचारी किस्म के होते हैं, वो उसी में आनंद लेते हैं। मैं पहले कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं, जैसे एक गंदगी का कीड़ा होता है, ये सुअर है, इनके बारे में भी एक बड़ी कथाएं प्रचलित हैं, मैंने उनका जिक्र किया था। तो उनको गंदगी पसंद है, उनको और कुछ पसंद नहीं है, वो और कहीं नहीं रहना चाहेंगे, वही रहना चाहेंगे। ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, आप उसे जिस भी नाम से जानते हो, उसने सिस्टम ही ऐसा बनाया है, इट्स ए फ्लॉलेस सिस्टम। और जैसे एक बेईमान आदमी बेईमानी से बाज नहीं आ सकता, ऐसे एक ईमानदार आदमी बेईमानी नहीं कर सकता। सब बंधे हुए हैं अपने भाग्य की वजह से, उनका स्वभाव है, उनकी नेचर है। तो जिन लोगों के भी मन में ये विचार है, देखिए पहली बात तो अगर आप मान लीजिए हमारे चैनल से जुड़ गए, हमारा एक छोटा सा चैनल है, चंद लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं एक निर्गुण सा आदमी हूं, लेकिन मैंने पीछे कुछ अच्छा बोया था, ऐसा मैं कह सकता हूं यकीन के साथ कि मैंने अच्छा कुछ बोया था, वो अंकुरित हुआ तो मुझे जाग आई, सूझ आई, तो मैं इस राह पे चल पड़ा। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हमारे परिवार के हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आई, आती ही नहीं है, मेरे हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद उनको ये बात समझ में नहीं आती है। उनको ये समझ में आता है कि फिल्में करो, सीरियल करो, पैसे बनाओ, नाम शोहरत कमाओ, ये उनको समझ में आता है, लेकिन ये मामला समझ में नहीं आता है। अब ये उनका भाग्य है, तो उनको समझाया नहीं जा सकता है। इसलिए अगर मेरे जैसा निर्गुण आदमी लगा हुआ है, इस चैनल से आप जुड़े, कोई विधि बनी, कहां से कैसे विधियां बनती हैं, मैं चमत्कृत रहता हूं, मैं मेरे पास कोई सज्जन आए थे तो मैंने कहा मैं यहां बैठ के भी बापू से बातें करता रहता हूं कि आप धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो, आप धन्य हो, आपकी हर चीज फ्लॉलेस है, अल्टीमेट है। मैं जिधर भी नजर डालता हूं, मैं अपने अंदर नजर डालता हूं तो क्या सिस्टम आपने बनाया है, गजब। बाहर नजर दौड़ाता हूं तो गजब। इस ब्रह्मांड के बारे में आप सोचिए तो गजब। आप गजब हो बापू, आप धन्य हो बापू। मैंने कहा मैं ऐसे बातें कर लेता हूं कई बार बैठ के ईश्वर से। तो हम लोग इसमें अगर उलझेंगे तो बात पकड़ में पूरी तरह से तो नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई विधि बन के, कोई जरिया बन के हमारे छोटे से, मेरे जैसे निर्गुण के इस चैनल से आप जुड़ गए और आपको बात पकड़ में आई। कल परसों मेरे पास एक बहन जी और उनके पति आए थे सानेवाल से, धर्म जी का गांव है वो, अब तो शहर बन गया, कस्बा बन गया। तो उनको इत्तफाक से हमारा चैनल मिल गया और वो कहने लगे मैं रात के 11 12 बजे तक बस आपके वीडियोज ही देखती रही, तो मुझे बड़ा आनंद आया, आई कुड रिलेट टू यू। और नंबर भी हमने निकाल लिया, लेकिन हमको लगा कि आप अपॉइंटमेंट देंगे नहीं तो ऐसे ही चलते हैं, तो ऐसे ही आ गए वो। तो मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, हमने बैठ के यहां चर्चा की, उनका पिछले कर्म है, उन्होंने महापुरुषों की सेवा कर रखी है, गुरुद्वारों में जाके सेवा करते हैं, समर्पित हैं, तो ईश्वर ने विधि बनाई, वो आ गए और हमने यहां बैठ के सत्संग किया। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अगर ये विधि बन गई है और आपकी बात पकड़ में आ गई है या आ रही है तो इसका लाभ उठाएं, जितना भी उठा सकते हैं। ये फिर आपके भाग्य का हिस्सा है, ये जो मैं कर रहा हूं ये मेरे भाग्य का हिस्सा है कि वो फिल्में, वो सीरियल्स, वो शोहरत, वो चकाचौंध छोड़ के एक छोटा सा, एक किसी ने लिखा भी था, मैं बड़ा हंसा था उसको कि जब उसने मुझे देखा तो उसको लगा अरे ये बेचारे अभी ये अपना छोटा सा चैनल बना के अब ये काम करने लग गए हैं। हर आदमी की अपनी एक मानसिकता है, अपना एक एक्सपोजर है। तो ये हमारा अहोभाग्य है कि हमको ये रास्ता मिला, ये हमारे उन दर्शकों का अहोभाग्य जिनकी बात पकड़ में आ रही है, जो कंफ्यूज्ड हैं, जो तरह तरह के अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं। कई लोग मुझे भी कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं,
मैं सभी विद्याओं का अदब करता हूँ, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, कुछ नाड़ी शास्त्री हैं, छाया शास्त्री हैं, तरह तरह के लोग हैं, रेकी वाले लोग हैं, पेंडुलम साइंस है, बहुत कुछ है। मैं सबका अदब करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि गिरते पड़ते किसी न किसी तरह से, ठीक है, इस संसार में टोने टोटके भी हैं, इन संसार में ब्लैक मैजिक भी है, लोग करते कराते भी हैं, सीट मुठ भी है, हांडी भी है, सब कुछ है, वो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो भी हैं, लेकिन उनमें से निकलते हुए किसी न किसी तरह से हम गुरु नानक देव जी महाराज के गाड़ी राह को पकड़ लें, हाईवे टू सल्वेशन। एक बार हमने वो रास्ता पकड़ लिया, हो सकता है कि वो नकारात्मक चीजें हमें घेरें खींचें, लेकिन गिरते पड़ते अगर हम चल पड़े और कुछ प्राप्ति होने लगी, विश्वास आने लग गया, फिर स्काई इज द लिमिट, फिर तो कहना ही क्या है, ये अल्टीमेट रास्ता है। लेकिन हमारे सबके जो पिछले कर्म हैं, हमारा सबका जो भाग्य है, उसने हमको दबोचा हुआ है, वो हमारी एक नहीं, मैंने इस पे वीडियो डाला था, वो हमारी एक नहीं चलने देते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करेगा? इस संसार में दो चार एग्जांपल्स अक्सर आपको सुनने को मिलती होंगी, गणका का उद्धार किया, अजामल का उद्धार किया, ऐसे एक दो और एग्जांपल्स मिल जाएंगी बस। तो ऐसे लोग जैसे कौडा राक्षस या सज्जन ठग, दो वली कंधारी थे, वो वली थे, लेकिन ये दो लोग, एक राक्षस एक ठग, और उधर देखिए आप अजामिल के बारे में, गणका के बारे में, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमको मिलेंगे संसार में, जहां अरबों खरबों लोग आके चले गए, और भी कुछ लोग होंगे, कोई 8-10 बस ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं, जिनके जीवन में उनका ऐसे उद्धार हुआ, कायाकल्प हुआ। लेकिन मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक, आई कैन बी रॉन्ग इन समबडीज आईज, ये उनके भाग्य में रहा होगा। जैसे मैं महाराजा था प्रलय से पहले, मैंने जो बोया था वो मेरा बोया हुआ प्रलय से पहले इस जन्म में 10 नवंबर 2018 को जब अंकुरित हुआ, तो ईश्वर के दरबार से एक ईश्वरी शक्ति ने, गुरुपिता ओमकारा जी महाराज ने स्वयं मुझसे संपर्क किया, वरना मेरी क्या औकात बिसात है, ये मेरा भाग्य था, वो मेरा बोया हुआ था, वो अंकुरित हुआ समय आने पे, तो मेरे जीवन का कायाकल्प हुआ, मुझे सारे सवालों के जवाब मिले। इसको अगर आप एनालाइज करें तो सब भाग्य के अंदर ही निहित है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में, मैं इसलिए कहता हूं बहुत पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड मामला है, जो लोग ये मानते हैं कि हमको ईश्वर ने चॉइस दी है, मैं इसके बारे में पहले जिक्र कर चुका हूं, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत सोचता रहता था। Again and again I say that I can be wrong in somebody's eyes and I apologize for that. लेकिन मैं ये सोचता रहता था कि जब जीरो था खाता, तो फिर बुराई कहां से आई, अच्छाई कहां से आई जब जीरो था। तो ईश्वर ने मुझे ये सुझाया, अगेन आई कैन बी रॉन्ग, कि जो आपकी अंतरात्मा है, ये एक फ्री एडवाइजर है आपका शुरुआत से। तो जिसने शुरुआत में जब हमारा खाता जीरो था, मन की सुनी, मन के पीछे लग गया, वो भटक गया, फिर वो नकारात्मक दिशा में चल पड़ा, उसकी डिमोशन शुरू हो गई, उसने बुरा बीज बोया, बुरा भाग्य बना। और जिसने आत्मा की सुनी, अंतरात्मा की सुनी, उसकी प्रमोशन शुरू हो गई, वो बच गया,
उसने अच्छे कर्म किए, अच्छे बीज बोए, उसका अच्छा भाग्य बन गया। अगर आपकी अंतरात्मा, मैंने इसकी एग्जांपल दे रखी है पहले कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग हमारा बच्चों कहे, अरे बच्चों धूप में मत जाना, गर्मी लग जाएगी, लू लग जाएगी, और बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए, अक्सर मैंने अपने बचपन में ये देखा है, वो नंगे पांव भाग जाते हैं धूप में खेलने के लिए, उनको लू लग जाती है, क्यों? उन्होंने सुना नहीं। वो बड़ा बुजुर्ग डंडा लेके पीछे नहीं भागता है, बस निर्देश देता। ऐसे ही हमारी अंतरात्मा एक विरक्त भाव से, डिटैच भाव से हमें इंस्ट्रक्शन देती है, गाइड करती है। अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो हम नीचे की तरफ जाते हैं, हम उसे फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा भाग्य हो जाता है। अंतरात्मा आपको जब महसूस कराए, आपको कुछ गलत करके गिल्ट महसूस हो, ग्लानी महसूस हो, अपराध बोध हो, तो समझ लेना कि अभी कनेक्शन टूटा नहीं है। मैं इसकी भी एग्जांपल दे चुका हूं किसी वीडियो में कि ये ऐसा ही है जैसे किसी एयरक्राफ्ट का कनेक्शन कंट्रोल रूम से टूट जाए, अब तो क्रैश लैंडिंग होगी, आग लगेगी, बहुत नुकसान होगा, जाने जाएंगी। जब तक गिल्ट है, जब तक अपराध बोध है, जैसे मेडिकल साइंस में कहते हैं ना, पेन इज ए पॉजिटिव साइन, तो उसी तरह से वो जो अपराध बोध है, वो जो गिल्ट है, इसका मतलब अभी संभावना है, अभी कनेक्शन टूटा नहीं है। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है, ये जो बुरे कर्म, पाप कर्म और अच्छे कर्म है, अच्छा भाग्य और बुरा भाग्य है, वो एडवाइजर आज भी हमारे अंदर बैठा हुआ है और हमें गाइड करता है। लेकिन हमारे पाप कर्मों की मैल, हमारा भाग्य ऐसा, दुर्भाग्य वो ऐसा बन जाता है, उसकी मैल इतनी चढ़ जाती है कि हम लाख चाह के भी आत्मा की जो गाइडेंस है, उसके जो निर्देश हैं, उसका अनुसरण नहीं कर पाते। आप अपने अंदर झांक के देख लें, ये सबके साथ हुआ होगा और होता है। मैंने अपने जीवन की एग्जांपल्स दी, मैंने अभी एग्जांपल दी जो पथरी हुई किडनी स्टोन की, कि कैसे मैंने वो किडनी स्टोन जो दाना फ्रंग था उतार दिया कई महीनों तक, क्योंकि वो फॉर्म होना था। कैसे मेरे जीवन में जो जो भी घटा, मैंने कहा था कि मैं एक सीरीज शुरू करूंगा, स्क्रीन प्ले ऑफ माय डेस्टिनी। उससे आपको पता लगेगा कि पहली बात, ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, ये हमको बाद में पता चलता है। इवन इन ए वर्स सिनेरियो आपको बाद में पता चलेगा कि ईश्वर ने अच्छा किया, ईश्वर बुरा नहीं करते हैं। मुझे मेरे जीवन में उसका बेसिक सार ये है, इसी पे बेस्ड है वो स्क्रीन प्ले ऑफ माय डेस्टिनी, इसी पे बेस्ड है कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो भी मेरे जीवन में हुआ। लेकिन मैंने सब जगह बहुत होशियारी से, बहुत चालाकी से बहुत अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो बहुत ही गलत था, उसके रिजल्ट ने साबित किया। तो हम सब लोग अपने जीवन में अपनी तरफ से बहुत अलर्ट हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन भाग्य हमारा बस नहीं चलने देता है। कर्म गति टारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ सा पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, कर्म गति टारे नाही टरी। आप देखिए, इससे बड़ी एग्जाम्पल और क्या हो सकती है कि मुनि वशिष्ठ जी भगवान राम के गुरु थे और उन्होंने शोध के लगन धरी, और रिजल्ट क्या हुआ? भगवान राम को वनवास, दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए, फिर रावण के साथ में युद्ध, सीता जी का हरण हुआ, और उसके बाद जब वापस आए तो किसी धोबी ने ताना मार दिया, फिर लवकुश के साथ में युद्ध, सीता माई धरती में समा गई। यह हुआ उनके जीवन में, मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान राम, कर्म गति टारे नाही टरी।
इतने बड़े बड़े महापुरुष, इतने बड़े बड़े ज्ञाता ब्रह्मज्ञानी संसार में आए और उन्होंने वो चाहते तो क्या नहीं बदल सकते थे। यही बात हम जो साधारण लोग हैं हमें समझने की जरूरत है। उसकी रजा में राजी रहने से बड़ी कोई भक्ति नहीं, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये अल्टीमेट पायदान है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। लेकिन कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। नाम जपने से, भक्ति करने से ये अवस्था आएगी कि आप उसकी रजा में राजी रहने लग जाएं। तो अगर उनका सारा जीवन आप देखें तो उन्होंने स्वीकार किया। और जो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, जो ज्ञाता इस संसार में आते हैं, महापुरुष आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा वो चुप हो जाते हैं। सब गोविंद है, सब गोविंद है। वो मुस्कुराते रहते हैं, किसनू कहिए नानका, सब कुछ आपे आप, सब कुछ तो तू खुद ही खुद है, तू ही तू तो है, तेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। तू ही चोर है, तू ही संत है, तू ही ठग है, और सब कुछ तेरा प्रीफिक्स्ड है। मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि हमारे यहां जो स्क्रिप्ट लिखी जाती फिल्मों की, सीरियल्स की, उसको बदल सकते हैं, लेकिन जो उसने लिख दी हमारे कर्म के हिसाब से, जो उसका विधान है, उसको वही बदल सकता है। लेकिन उसका विधान इतना परफेक्ट है कि वो बदलता नहीं है। वो स्वयं भी आता है, चाहे भगवान राम बन के आए, चाहे भगवान कृष्ण बन के आए, या किसी महापुरुष गुरु के रूप में आए, जिस भी रूप में आए, नबी साहब के रूप में आए, ये सब उसके अंश हैं। कोई बड़ा अंश है, कोई छोटा अंश है, उसी के रूप हैं। वो बदल सकते थे लेकिन उन्होंने कुछ बदला नहीं, क्योंकि यही पराकाष्ठा है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि उनको मालूम था ये उसकी अवज्ञा है, उससे असहमत होना है। और हम लोग तो दिन रात बदलने में लगे रहते हैं हर आदमी बदलने में लगा हुआ है। और जो प्रचारक हैं, कुछ इस तरह के मोटिवेटर हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी मुट्ठी में, हम चाहे, बहुत सारे चैनल्स पे लोग बोलते सुने हैं मैंने कि हम जो चाहें, हमारा भाग्य हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में, बदल सकते हैं, हम जो चाहें बन सकते हैं। और मैं अक्सर ये कहता रहा हूं, मैंने एक वीडियो भी डाला इस पे कि और तो चलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं यहां रह रहा हूं, मुझे यहां बहुत सारी असुविधाएं हैं, मैं यहां से शिफ्ट नहीं कर पा रहा हूं, बहुत देर से कोशिश में हूं कि तरह तरह की दिक्कतें आती हैं, ठीक है, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मैं यहां से शिफ्ट नहीं कर पा रहा हूं, मैं सारे साधन, मेरा घर, मेरा ऑफिस, सब कुछ बॉम्बे में रह नहीं पा रहा हूं, दौड़ के यहां जाता हूं, जबकि यहां असुविधाएं हैं। मैंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एग्जाम्पल्स दी थी, चलिए राहुल गांधी, उनकी शादी नहीं हुई, ममता बनर्जी, उनकी शादी नहीं हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी शादी नहीं हुई, रतन टाटा, उनकी शादी नहीं हुई, जयललिता, एपीजे कलाम, उनकी शादी नहीं हुई। जरा सोचिए कि कोई कमी थी। सलमान खान, अभी फिल्मों वालों को लोग ज्यादा जानते हैं और समझते हैं, कितनी मिस वर्ल्ड उसके जीवन में आई लेकिन शादी नहीं हो पाई, क्या कारण है? भाग्य। तो हम लोग, जिसकी जितनी समझ है वो उसके हिसाब से बोलता है और बात करता है, लेकिन कर्म गति टारे ना ही टरी। जो हम लिखवा के आए हैं, जो हम कर्म करके आए हैं, उनको देखिए, हम फल को रेक्टिफाई कैसे करेंगे? हम पौधे को, जो पेड़ बन गया, जो हमने बीज बोया था, उससे अब वटवृक्ष बन गया, कैसे रेक्टिफाई करेंगे उसको? उसमें परिवर्तन कैसे करेंगे? वो तो उगाया, अब तो फल देगा, वो फल हमें ग्रहण करना होगा, दुख या सुख, उससे हम भाग नहीं सकते। तो एक ही तरीका है जो मैं बार बार कहता हूं, सरेंडर का, समर्पण का, आत्मसमर्पण का, भक्ति का, नाकरण के, माफी मांगने का, धन्यवाद करने का, सेवा करने का, अपने दिमाग को डाइवर्ट करने का, इसमें नहीं उलझे रहना है। सेवा करिए, दया करिए, पुण्यदान करिए, माफी मांगिए, भक्ति करिए, रात को रिपीट पे लगा के सोइए। धीरे धीरे ये जो ईश्वर का नाम है, ये आपको एक शक्ति देगा, एक कुव्वत देगा, एक सहारा देगा। ये मैं बार बार कह चुका हूं।
ताकि आप निपट सके। मैंने इसका बार बार जिक्र किया है कि अपने कर्मों की सजा भुगतने में एक ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है। ये वीडियो मैंने डाला हुआ है, भूपेंद्र जी हैं, वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहे जबकि दृष्टा थे, और अभी एक डी एडिक्शन सेंटर में है इस्माइलाबाद में हरियाणा में, और अपने मित्रों को जो उनकी मदद करना चाहते हैं उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। मैं उनसे मिलके आया हूं दो बार, दृष्टा थे, मतलब आप सोच नहीं सकते ऐसी दृष्टि थी उनके पास, और सब आगे पीछे देख सकते थे, और उन्होंने स्वयं ये कहा कि मेरे इस जन्म में दोनों चीजें एक साथ लग गई हैं। वो पहला फेज खत्म हुआ अब, जब वो जो कलंदर साहब हैं पानीपत में, उनसे भी जाके बात करते, उनके बेटे से बात करते थे, और भी बड़ी बड़ी हस्तियों से बात करते थे, बुल्ले शाह जी से बात करते थे, और बड़ी बड़ी हस्तियों से, मतलब आप सोच नहीं सकते। और वो खुद ये कह गए कि अब मेरा दूसरा फेज शुरू हो रहा है, मेरे पीछे मत आना, मुझे छुड़वाना मत, मैं अपना खाता साफ करके जाना चाहता हूं, मैं अपना हिसाब चुकता करके जाना चाहता हूं, मैं दोबारा आना नहीं चाहता। अगर उनके मित्र उनके पास गए भी उन्हें छुड़वाने, तो उनको वापस भेज दिया कि तुम चाहते हो मुझे दोबारा आना पड़े। वो चाहें तो बदल सकते थे, लेकिन नहीं, स्वीकार किया। ये ज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी की पहचान है। अज्ञानी तो बिलखता है, शिकायत करता, रोता है, चिल्लाता है, चीखता है। मैंने अक्सर भगवान कृष्ण का जिक्र किया है, वो बाली शिकारी बन गया उनके तीर से, उनको हिसाब देना पड़ा, वो बदल नहीं सकते थे क्या? उनको लगा दूर से हिरण बैठा हुआ है, तीर मारा, और उससे भगवान कृष्ण ने अपना ये जो शरीर था, भौतिक शरीर छोड़ा। भीष्म पितामह जी के पास इच्छा मृत्यु थी, कैसे पिछले 101 जन्म के बाद, क्योंकि जब कोई चोर, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पकड़ा जाता है तो उसके दूसरे रिकॉर्ड भी निकल आते हैं, तो जब समय गड़बड़ आता है, बुरा समय आता है, तो कौरों के साथ खड़े हो गए, और वो जो पिछला उनका था हिसाब वो भी ऐड हो गया, तो 21 दिन उनको तीरों की सेज पे वो कष्ट भोगना पड़ा। ये जो वार्तालाप उनका भगवान कृष्ण के साथ हुआ उसमें स्पष्ट है। तो इसी तरह से तमाम लोग, जब वो स्वयं उसका अंश, उस निरंकार का अंश, 16 कला संपूर्ण आते हैं तो वो भी हिसाब देते हैं, तो फिर जब हमारे जैसे साधारण लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं कि बदल सकते हैं, हमारे पास चॉइस है, हमारे पास ये है, नहीं, वो चॉइस भी आपके भाग्य का हिस्सा है, अच्छी या बुरी। अपनी तरफ से हम सब अच्छी चॉइस ही करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो बुरी थी, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, मैं भुक्त भोगी हूं। तो इसलिए इन टोटैलिटी मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक, एवरीबॉडी हैज द राइट टू डिफर विद मी, जो भी हमने कर्म किए उसके हिसाब से हमारा भाग्य बना है, और भाग्य के मुताबिक हमारा जीवन सुख दुख है, उसको हम लाख चाह के भी बदल नहीं सकते। अगर वो भाग्य में निहित होगा तभी कुछ परिवर्तन आएगा, रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो तमाम चीजें, मैंने इसका भी जिक्र कहीं किया हुआ है किसी एपिसोड में, उनका कनेक्शन उन तमाम ग्रहों से है, ग्रह दशा से है, और वो ग्रह हमारी पृथ्वी से सौों हजारों गुना बड़े हैं, और वो पूरे ब्रह्मांड में उनको टाइम का लॉक लगा हुआ है, उसी के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड चलता है, और वो निरंकार, वो हरि, वो मालिक इस सृष्टि का धुरा है, जिसके इर्द गिर्द ये सारी सृष्टि घूमती है, वही एक थिर है, बाकी सब चलायमान है। जब हम मेडिटेशन करके, नाम जप के उस परम स्थिर के थोड़ा सा भी निकट होते हैं तो हमारे जीवन का कायाकल्प होने लगता है। ये हम कर पाएंगे अपने भाग्य से, अपनी पिछली कमाई से, अपने पिछले कर्मों से। इसलिए अगर ये बात जिसकी भी पकड़ में आती है वो कोशिश करे, क्योंकि ये हिस्सा तो भाग्य का ही होगा, ये बात भी उसी की पकड़ में आएगी, ये विधि भी उसके साथ ही बनेगी, तो वो जुट जाएगा और कमाई करके जाएं। जहां पे भी हम आज छोड़ के जाएंगे, जब दोबारा आना पड़ा तो वहीं से शुरुआत करेंगे। ये मुझे गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने भी बताया था
कि इस बार तुझे मोक्ष मिल सकती है, लेकिन अगर किसी कारणवश रह गया तो एक बार और आना पड़ेगा। और मैंने कहा, मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, मैं सिर्फ पास मार्क से ही एक निकम्मे विद्यार्थी की तरह मोक्ष नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरी डिस्टिंक्शन आए, मैं टॉपर बनूं। तो अगर मुझे दोबारा आना पड़ा तो जहां छोड़ के जाऊंगा वहीं से शुरुआत करूंगा। तो जो ज्ञान, जो जानकारी, जो जाग मुझे बहुत देर से आई, वो मुझे बचपन से मिल जाएगी। ऐसी संगत में, ऐसे घर में पैदा होऊंगा, ऐसे माता पिता के यहां पैदा होऊंगा, तो फिर ऐसी अवस्था हासिल करके जाऊंगा। मैं उदाहरण के तौर पे टॉपर की बात कर रहा हूं, मोक्ष तो मोक्ष है लेकिन वहां भी लेवल्स हैं, अवस्थाएं हैं। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक ये जिक्र कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि और हायर लेवल मुझे मिले जब मैं यहां, ये मैं अपने दिल के उद्गार आपसे शेयर कर रहा हूं। सो सारा कुछ सुनिश्चित है, अध्यात्म के चार सिद्धांत, यही वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें भी यही है कि वो जो स्नोफॉल होता है, जो फ्लेक गिरते हैं बर्फ के, स्नो के रोएं, उनकी भी जगह फिक्स है। तो हम किस खेत की मूली, हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं, बल्कि हम अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट ना करें, बदलने के चक्कर में निमित्त बन जाए, निमित्त बन के जो करना चाहते हैं करें, भक्ति करें, जो मैं बार बार कहता हूं वो करें, तो उससे कमाई होने लग जाएगी और ये जो व्याकुलता है ये धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। लेकिन होगा ये तभी अगर ये हमारे भाग्य का हिस्सा है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करते हुए इससे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।